हेलो, वेलकम टू माय चैनल पिंकी रानी के रूम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं नवजात शिशु को पीलिया हो जाए तो उसके लिए क्या करें, इस सारी जानकारी के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, नवजात शिशु का जन्म जब होता है, जन्म के बाद ही हमें मालूम होता है कुछ घंटों बाद कि इस बच्चे को पी लिया है, या कुछ दिनों के बाद ही हमें पता चल जाता है। जैसे कि 7 दिनों के अंदर अंदर अगर डिलीवरी उनकी हॉस्पिटल में हुई है तो डॉक्टर लोग बता देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी मशीन होती है जिससे वो बच्चे के सर पे रख के तुरंत पता चल जाता है कि इस बच्चे को पी लिया है। और वो उसी पीलिया के चलते ही उसका ट्रीटमेंट करने देते हैं या करने लगते हैं। साथ ही बच्चे और भी होते हैं, सारे बच्चे में पीलिया नहीं होता। जैसे कि माना जाए 100 बच्चों का जन्म हुआ है तो 100 में 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पीलिया होता है, जो हाई रिस्क वाला होता है। जो हाई रिस्क वाला होता है उसे डॉक्टर, जैसे हॉस्पिटल में अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो डॉक्टर 14 दिन तक उसका ट्रीटमेंट रखने का सलाह उनके माता पिता को देते हैं। और अगर उससे कम है तो उसके लिए वो 4 से 5 या फिर 6 दिन तक ही रखते हैं अपने हॉस्पिटल में, या फिर उनसे कह देते हैं कि डिस्चार्ज हम आपके बच्चों को कर देंगे, फिर जो हम बताएं उसी तरह से आप बच्चों को लेके आना। क्योंकि वो बच्चों के साथ जो भी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं वो हॉस्पिटल में करते हैं उस बच्चे के साथ, ताकि वो बच्चा जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाए। अब बात कर लेते हैं कि बच्चे में पीलिया क्यों होता है। ये बच्चे में पीलिया तभी होता है कि माँ की थोड़ी लापरवाही हो जाती है, जिसके कारण बच्चे में पीलिया हो जाता है। अब वैसे तो अगर देखा जाए तो किसी बड़े इंसान को, जैसे उनके माँ बाप को है या फिर भाई है बहन है, इनको अगर पीलिया होता है तो उसके लिए डॉक्टर कहता है कि आपके लीवर में समस्या है, प्रॉब्लम है, पानी है, या फिर आप में ब्लड कम है, इसकी वजह से भी पीलिया हो जाता है। पर बच्चे में ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे में 19 से लेकर 20 तक होमोग्लोबिन होता है, खून होता है, खून की मात्रा होती है, उसमें पीलिया होने की कोई संभावना नहीं होती जन्म के समय। लेकिन बच्चे में पीलिया तभी होता है क्योंकि बच्चे की माँ का और बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर अलग अलग हो तभी बच्चे में पीलिया हो जाता है। अब हम बात कर लें कि माँ लापरवाही ऐसी क्या करती है जिसके कारण बच्चों को पीलिया हो जाता है। तो माँ का जब जन्म देती हैं बच्चे को माँ, तो तुरंत बच्चे को जन्म देने के बाद 1 घंटे के अंदर ही अंदर बच्चे को उसकी माँ का दूध मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ के दूध में तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चे का जो तापमान है वो भी नॉर्मल रहता है, और उसकी जो हार्ट बीट है, हार्ट है तो वो बीटिंग भी, मतलब धड़कने भी उसकी नॉर्मल हो जाती है, जिससे उसे एनर्जी मिलती है दूध पीने से, और माँ भी ठीक रहती है। इस कारण भी बच्चे को दूध माँ का बहुत ज़रूरी है और पिलाना चाहिए तुरंत बाद। अब हम बात कर लेते कि बच्चे को ऐसा क्या करना चाहिए बच्चे की माँ को जो बच्चे को पी लिया ना हो। तो बच्चे की माँ को बच्चे के जन्म के बाद भरपेट दूध पिलाना चाहिए, जितनी वो मात्रा में पी सके, और साथ साथ पानी भी पीना चाहिए 4 से 5 लीटर तक उसकी माँ को, ताकि उस माँ का दूध पतला हो, गाढ़ा नहीं, क्योंकि गाढ़ा दूध होता है तो उसका, कुछ कुछ माँ ऐसी होती हैं जिनका दूध पूरी तरह से पर्याप्त नहीं होता बच्चे के लिए, वो भूखा रह जाता है। अगर वो पानी पिएंगे दिन में 4 से 5 लीटर तक तो वो दूध उनका पतला रहेगा और बच्चा पूरी तरह से अपना भरपेट दूध पी लेगा, जिसके कारण उसे एनर्जी मिलेगी, इस वजह से उसे पीलिया नहीं होगा। साथ ही अगर बच्चे को जन्म माँ ने दिया है तो 48 से 72 घंटे तक बच्चे को ज़रूर से ज़रूर माँ अपना दूध पिलाए। माँ अपना दूध पिलाने के बाद ही बच्चे को लिटा लो अपने पास, क्योंकि उससे भी बच्चे को अपने पास अगर वो रखती हैं तो बच्चा
ठीक रहता है। तो फ्रेंड्स आज की जानकारी बस इतनी ही, जो मुझे सही लगी वो आप तक मैंने पहुंचा दी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना, ताकि मैं आगे की वीडियो अच्छे से अच्छी डाल सकूँ। तो आज की वीडियो बस इतनी ही।